न्यूज फोर सिटी में आपका स्वागत है। मुझे कुछ कहना है। पुराने जमाने से कलाओं को कहीं न कहीं संरक्षण मिलता रहा है और आज भी कला को विकसित होने के लिए किसी न किसी संरक्षण की जरूरत होती है। और किस तरह से कोई कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, किस तरह से कला के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो किस तरह संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आइए विनोद गोस्वामी जो एक चित्रकार हैं और अपनी चित्रकला से वो भारतीय संस्कृति को कला प्रेमियों से रूबरू कराते हैं, तो इनके जीवन के संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो विनोद जी, किस तरह से आपकी कला यात्रा शुरू हुई, आपने कहाँ पर शिक्षा है वो ग्रहण की और उसके बाद किस तरह से कला के क्षेत्र में आप आ गए, किसी ने आपको प्रेरित किया? मैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगांव में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी चूंकि अध्यापन का कार्य करते और वहाँ राजस्थान में उनका पोस्टिंग था, तो हम कामा जो भरतपुर में पड़ता है वहाँ चले गए और वहाँ से मेरी शिक्षा का जो मिडिल एजुकेशन था वहाँ पूर्ण हुआ और वहाँ से फिर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा ली और उसके बाद मैं जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई के लिए गया, जहाँ मेरे शिक्षक श्री सुरेंद्र पाल जोशी रहे और उन्होंने मुझे अपने संस्कारों से और अपने कला के तकनीकों से नए नए स्वरूप में मुझे ज्ञान दिया। और उसके बाद MFA के लिए मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स आया और 94 में BFA करने के बाद मेरी एजुकेशन का अगला पड़ाव जो देश का सबसे प्रमुख कॉलेज है ललित कला महाविद्यालय मैंने चुना और यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैंने MFA की डिग्री प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। और ये शिक्षा पाने के बाद मेरे मन में एक ही विचार था कि मैं अपने जो माटी है, अपनी देश की माटी का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, उसको अंदर से कैसे निखार सकता हूँ। उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की और उस मेहनत में मैंने अपने मन का और अपने मस्तिष्क का जो स्वरूप था उसमें क्रिएटिविटी, जो विजुअलाइज, जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं, उसे मैंने उसको प्रेजेंट करने में जो थोड़ा बहुत सहयोग दिया वो मैं दे पा रहा हूँ। विनोद जी, कला का क्षेत्र एक संघर्ष का क्षेत्र होता है, लेकिन आपने इस संघर्षपूर्ण क्षेत्र को चुना तो इसके लिए किसी ने प्रेरित किया कि आप कला के क्षेत्र में आगे आइए? हाँ, कला के लिए मुझे प्रेरणा मेरी माँ ने दी कि बेटा तेरा गणेश जी का चित्र बहुत अच्छा बनाता है, तू ऐसा कर, चित्रकला का अध्ययन कर। जो कि माँ ने इस बात को किया तो फिर मेरे नाना जी जो कि बहुत एजुकेटेड थे, उस समय प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उस चीज को जाना और फिर मैं जयपुर गया। तो जयपुर में मेरी एजुकेशन हुई और वहाँ की संस्कृति से मैं जब परिचित हुआ अच्छे से कि ब्रज की जो संस्कृति है और कला की संस्कृति है उसको राजस्थान में कितने अच्छे तरीके से जाना समझा, तो उसका वहाँ मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान लोगों से मैं मिला और उनके बारे में मैंने जाना, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैं धीरे धीरे, जैसे रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, नाथुलाल वर्मा हैं, सुरेंद्र जोशी हैं, PN चोयल हैं, कन्हैयालाल जोशी, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों से मैं मिला और उनके स्वरूप को जाना समझा कि उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, तो फिर मैं उनसे प्रेरित होके आगे काम कर पाया। तो विनोद जी, एक छोटे से शहर से निकलकर जब आप महानगरों में आते हैं तो क्या तुलना देखते हैं? नंदगांव में भी या छोटे छोटे कस्बों में भी कला जन्म तो लेती है, लेकिन क्या वो प्रस्फुटित हो पाती है? मेरा ये मानना है, जन्म जब लेती है और ये एक डेस्टिनी है जो आपको जहाँ ले जाती है वहाँ जरूर ले जाती है। मैं नंदगांव से आया, नंदगांव से मुझे जो डेस्टिनी थी मुझे राजस्थान ले गई, राजस्थान से फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली में अब अपना कला जीवन प्राप्त कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो अपने रास्ता ना मिलने की वजह से वो वहीं दम तोड़ देते हैं, लेकिन कला की अगर स्वीकारता समाज चाहेगी, समाज में वो स्वीकारता बनेगी, तो सभी को वो कला का स्वरूप प्राप्त होगा और कला का जो वैभव है वो विशाल रूप लेगा। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति में कला का जो आनंद है वो मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक व्यक्ति, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कला का आनंद मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है, चाहे वो घर में बैठा है या बाहर बैठा है, गांव में या शहर में या देश में या विदेश में, उसको वो प्रियता मिलनी चाहिए। हम संगीत तो सब जगह सुन लेते हैं, लेकिन कला का जो आनंद है, जो विजुअल आर्ट का आनंद है, वो नहीं ले पाते, उसका भी आनंद हम लोग अपनी भागीदारी निभाएं। हर व्यक्ति की बात इस खाली सरकार से ही नहीं होगी, समाज के सभी वर्गों को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, कला के प्रति आनंद तभी मिल पाएगा। तो कला की बारीकियों को समझने के लिए एक कला प्रेमी को, कला दर्शक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी नाड़ी डॉक्टर देखता है, हमें नब्ज देखता है कि भाई, और हमें बता देता है, तो हमसे पहले पूछता है वो कि आपको क्या तकलीफ है,
कि आपको जुकाम है, खांसी है या बुखार है, हम फील करते हैं तभी हम बता पाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी कला एग्जीबिशन में, कला प्रदर्शनी में जाते हैं तो पहले उसकी हमें स्टडी कर लेनी चाहिए, उसको जानना चाहिए कि वो उसमें क्या बनाया है, कैसे बनाया है, उसके तत्वों को उसकी में समाविष्ट होकर हमें अपनी प्रियता दिखानी चाहिए। उसका तरीका ये है कि जो हमारी आँखें हैं उससे हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें विजुलाइज आपको हो रही है उसका आकर्षण जो है, उसका लालित्य है, उसके रंग हैं, उसके रूप है, उसका जो मधुरता है वो आपके चित्रों में दिखती है और फिर कलाकार की भावनाओं से प्रकट होती है, तो उससे बड़ा आनंद आपको कुछ नहीं। विनोद जी, आपकी किस तरह की लाइफ चल रही है आज कला के क्षेत्र में इतने साल गुजारने के बाद? मुझे शुरुआत में जो थोड़ी सी कठिनाइयां आई कला के प्रारंभ में, जब मैं पढ़ता था और कला के लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जुटाने के लिए मैं बड़ा परेशान रहता था, और जब मैं पढ़ रहा था जयपुर में तो उस समय मुझे लगता कि मेरे लिए कला करना बहुत मुश्किल है, तो मेरे जो गुरुजी हैं सुरेंद्र पाल जोशी, उन्होंने मेरी मदद की उस समय और उन्होंने मुझे शिक्षा दी और उनके साथ साथ उन्होंने जीना सिखाया कि कलाकार किस तरह से जीते हैं, कैसे उनका जीवन होता है और कैसे स्ट्रगल करते हैं, देखते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं उनका, फिर चीज़ें मैंने धीरे धीरे समझी और उनको आगे लेके गया। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो कला के प्रति समर्पित रहा है और मैं आगे भी समर्पित रहूँगा। मुझे एक लगभग 30 साल इस कला के क्षेत्र में हो गए और मैं अपने काम में पूरी शिद्दत से काम कर पा रहा हूँ। अब मुझे दिन प्रतिदिन उसमें एक अलग आनंद आता है। अब जैसे लगता है कि जैसे समुन्द्र में बहुत गहराई में मैं जा रहा हूँ और जब मैं काम करता हूँ तो उसमें तन्मय होके डूब के काम करता हूँ। तो विनोद जी, कुछ अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताएं और किस किस तरह की प्रदर्शनी वगैरह आपकी आयोजित हुई हैं और क्या देश विदेश भी गए हैं आप और किसी तरह के पुरस्कार भी आपको मिले हैं, सम्मान मिले हैं? मैंने अब तक लगभग 50 से ऊपर चित्र प्रदर्शनियां कर चुका हूं और उनमें मैं देश विदेशों में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन हुई है, जर्मनी में भी हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है, बाहर भी मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन होती रही है और 10 से 15-16 शो मैं कर चुका हूँ। मेरी जो रुचि रहती है वो फिगरेटिव वर्क और कंटेम्प्रेरी वर्क में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें समाज को लेके आ पाऊँ। हर समय मेरा नया विषय होता है और उस विषय में मैं अपने आप को गूढ़ रहस्य को जानने की, जो क्या कि जीवन क्या है, जीवन से क्या हमारा उद्देश्य है, अंकुर जीवन अंकुरित होता है तो उसके बाद हमारा जीवन में आना किस तरह का जीवन हम लोग जी पाते हैं, तो वो जो सृजन की भूमिका है या समाज में जो स्वीकार्यता है कि कला के और नए नए जो विषय होते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ और काम करता हूँ। आपकी पेंटिंग्स की बिक्री वगैरह वो किस तरह से हो पाती है, प्रदर्शनी में किस तरह का अनुभव हुआ? कला का जो पारिश्रमिक पक्ष है जिससे कलाकार अपना जीवन यापन करता है, मैं चूंकि स्वच्छंद कलाकार हूँ और अपनी जीवन यापन की जो जरूरत है वो ऐसा नहीं कि बमुश्किल पूरी कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी आमदनी का अभी मेरे साथ साधन नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो कुछ भी किया कला के द्वारा किया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ और अपना जो जीवन है वो साधारण जीवन तरीके से निभा पा रहा हूँ। आपकी पेंटिंग प्रदर्शनी RPR गैलरी में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगी हुई है, बताएं किस थीम पर बनाया आपने? ये जो प्रदर्शनी है साउंड ऑफ सोल है, इससे पहले जो मेरी प्रदर्शनी थी गीत गोविंद थी, गीत गोविंद के बाद ये प्रदर्शनी साउंड ऑफ सोल। तो साउंड ऑफ सोल का मतलब है कि जो मुझे मेरे हृदय से जो संगीत सुनता है वो जो संगीत है वो हमारे भक्तों से, हमारे जो जीवन के बहुत अच्छे अच्छे सुंदर व्यक्तित्व रहे हैं, तुकाराम है या महाराणा प्रताप है, राणा कुंभल है, राणा कुंभा है, या ऐसे और भी जो व्यक्तित्व रहे हैं, मीराबाई हैं, उनको लेके मैंने जाना है, समझा है और उसको मैंने प्रेजेंट किया है। उसमें ऋतुराज हैं, ऋतुराज का एक चित्र है और उसके अलावा म्यूजिशियन है, सेलिब्रेशन है, उसमें ब्रज के सेलिब्रेशन को दिखा रहा हूं और अलग अलग चित्रों के माध्यम से चीजों को मैंने समाज को जोड़ने की कोशिश की है। इस सबसे अच्छी पेंटिंग्स किस तरह की आप बनाए हैं जिससे आपको बहुत संतुष्टि हुई हो? यहाँ तो कलाकार के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मेरी ये चित्र अच्छी है या ये नहीं है, लेकिन मैंने अपनी अलग अलग सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे चित्रों का
समाज को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। दूसरा मैं ये काम करता हूँ कि मेरे लिए एक चित्र जो है मुझे याद है मैंने बनाया था सेलिब्रेशन, और इस पेंटिंग सीरीज में भी मैंने उस चीज को जारी रखा है। सेलिब्रेशन का मतलब है कि हम अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण आनंदपूर्ण तरीके से रख के ही आगे चल सकते हैं। हम नेगेटिविटी, जैसे हम जानते हैं कि एक जो जमीन है जिसमें अगर हम बीज नहीं डालें तो वो घास फूस से ही अपना हमें श्रृंगार देती है, अगर हम उसमें बीज डालेंगे तो वो हमें बहुत अच्छा आनंद प्रदान करेगी। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में अगर हम पॉजिटिव चीजें डालेंगे, पॉजिटिव अवेयरनेस मूल्यांकन डालेंगे अपने समाज का, तो वो हमारा जीवन बहुत वैभवपूर्ण बनेगा। नहीं तो हम नकारात्मक सोच से उसको भर देंगे, उससे हमारा नुकसान होगा। तो मेरा मानना है कि सेलिब्रेशन हर समय हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। आगे की कोई योजना आपकी? मैं आगे अलग अलग सीरीज का काम करना चाहता हूँ और उसमें तकनीक के माध्यम से उसको मैं आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आधुनिक जब जीवन है उसमें जटिलताएं हैं, लेकिन उसको सरलताएं हम कैसे उन तकनीकों से ला सकते हैं, वो तकनीक मैं समाज में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विनोद जी, आपको लगता है कि जो समाज है अगर कला के प्रति उनके अंदर सकारात्मक सोच आए तो कला को एक नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया उदय जी। मेरा ये मानना है कि कला का जो सही स्वरूप है उसको हम प्रारंभिक शिक्षा से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा में कला का कहीं भी कोई नाम नहीं है। जब तक हम उसको प्राइमरी शिक्षा में कंपलसरी नहीं करेंगे तो उसके जो मापदंड है वो जमीन से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के बाद ही इसको हम आगे तक ले जा सकते हैं। एजुकेशन का माध्यम सिर्फ एजुकेशन देना नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन आपके संस्कृति को, आपके संस्कारों को और आपके प्रिय वातावरण को लोगों तक पहुंचाए, इमेजिनेशन को बहुत आगे तक ले जाए। आज आप देखो विश्व में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उनका इमेजिनेशन बहुत उच्च स्तर का रहा है। जब तक हम इमेजिनेशन डेवलप नहीं करेंगे, बच्चों की कल्पनाशीलता आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनका माइंड बैलेंस और प्रिय या शांति पूर्ण नहीं डेवलप करेंगे, उनमें वो व्यवहार नहीं आएगा। और नेगेटिविटी का मतलब है कि आज समाज में जितना कोलाहल हो रहा है, समाज का जो उत्तरदायित्व बनता है उसको जाने के भाई कहाँ ये समस्या है और समस्या का क्या समाधान है, क्योंकि कला के बगैर तो मनुष्य पशु बन जाता है और कहा भी गया है कला विहीन मनुष्य पशु विषाण संति, तो उसके बगैर मनुष्य की क्या गति होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्र भारती की स्थापना इसलिए की कला भवन की कि कला ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आप संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो विनोद जी, कला में कितनी ताकत है कि वो हमारी जो सामाजिक समस्याएं, हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, कला के माध्यम से वो अगर समाज के सामने आए तो एक सशक्त माध्यम बनकर समाज में बदलाव ला सकती हैं? बिल्कुल उदय जी, मैं ये मानता हूँ कि जीवन का हर आनंद आपके मन से जुड़ा है और मन के स्वरूप को सही तरीके से कला प्रिय होकर ही जाना जा सकता है। मस्तिष्क अपनी क्रियाएं करता है लेकिन मन हमें समझाने में सफल होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का एक जो शीतलता देता है और ऊर्जावान बनाता है। हमारा जो जीवन है दो तरीके से समझा जा सकता है, एक तो ये कि हम कला को उसकी स्वीकार्यता को विस्तार दें, और दूसरा ये कि हम अपने कलाकारों को उनके वैभव को पुनः लौटा पाएं, क्योंकि कलाकार अगर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया तो समाज की जो विकृति है उसे कोई नहीं लौटा सकता, क्योंकि कला बहुत उच्च मापदंडों में पनपी रही है। जो नवोदित चित्रकार हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है उदय जी, नई पीढ़ी जो है अपने जीवन को इतने डेडिकेशन से, इतने डिसिप्लिन से और इतने आनंदमय स्वरूप को लेते हुए अपने स्पिरिट को, एनर्जी को, अपने वैल्यूज को लेके काम करे, जिससे हमारे समाज में आनंद महसूस हो। सिर्फ आनंद की आकांक्षा कला में होती है और समाज को सही दिशा मिलती है, समाज का सही अवधारणा में काम होता है, नेगेटिविटी दूर होती है, समाज में सही सोच, सही संतुलन और जीवन का सही आनंद प्राप्त होता है। विनोद गोस्वामी जी, आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विनोद गोस्वामी जी, श्रोताओं से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।